हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो भाई आज अपने पास है द ऑल न्यू बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बाइक जिससे आप पावर फील कर सके, कंफर्ट फील कर सके एंड इसी के साथ साथ एक लो मेंटेनेंस और बढ़िया माइलेज देने वाली बाइक जो कि आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी हो, तो आप आ सकते हैं बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट की तरफ। भाई 160 स्ट्रीट में दो कलर वेरिएंट आपको मिल जाते हैं, एक अपना रहने वाला है ब्लैक कलर, एक अपना आता है रेड कलर, जिसके अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा ओनली फॉर टैंक पर। यानी इसका जो टैंक आता है वो ओनली फॉर रेड हो जाता है, बाकी पूरी एज इट इज़ बाइक अपनी ही रहती है। तो इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे इस बाइक की प्राइस, माइलेज, फीचर एंड ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो आप देख लीजिए एक बार, इस टाइप से रहने वाली है, दिखने में काफ़ी अच्छी बाइक है। 2006 में लॉन्च हुई थी, जब से कंटिन्यू है मार्केट के अंदर। इसी के साथ अगर बात करते हैं इसके इंजन की, तो 160 सीसी का यहाँ पर आपको इंजन मिलता है जो कि 15 पीएस की पावर जनरेट करता है एंड 13.7 एनएम का टॉर्क निकाल कर देता है। बात करते हैं अगर इसके इंजन के बारे में, तो यहाँ पर आपको FI इंजन मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया रहने वाला है अपना। इसी के साथ यहाँ पर आपको किक वगैरह का सेटअप नहीं मिलता है, ओनली फॉर सेल्फ सेटअप मिलता है। इसी के साथ अगर बात करें माइलेज वगैरह की, तो 40-45 KMPL का ये पर लीटर के अंदर माइलेज भी निकाल देता है। बात करूँगा ग्राउंड क्लियरेंस की, जिसके वजह से एवेंजर जानी जाती है, तो यहाँ पर आपको 169 mm का ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। कर्व वेट की बात करूँ तो अप्रोक्स 154 किलो के समथिंग यहाँ पर आपको इस बाइक का कर्व वेट देखने के लिए मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके इग्निशन से, तो यहाँ पर आपको साइड में इग्निशन ऑन करने का स्विच मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप से अपने इंडिकेटर वगैरह रहने वाले हैं। हैलोजन के अंदर पूरा सेटअप है, यहाँ पर आपको LED के अंदर अपना बल्ब मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ट्विन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। बात करें अगर फ्रंट टायर की, तो 90x90 सेक्शन के फ्रंट टायर रहने वाले हैं ट्यूबलेस सेटअप के साथ में। इस बाइक के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट भी मिल जाता है जो कि आपको 280 mm डायमीटर की डिस्क प्लेट के साथ में मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको प्लास्टिक के अंदर यहाँ पर मडगार्ड वगैरह दे रखे हैं। बात करते हैं अगर फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पर आपको एवेंजर लिखा हुआ मिल जाता है। मोनो ग्राफिक्स वगैरह के अंदर काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स मिल जाते हैं। 13 लीटर का फ्यूल टैंक दे रखा है, जिसके ऊपर आपको ब्लैक कलर के अंदर अपना फ्यूल फिलर कैप दे रखा है। E20 लिखा हुआ मिल जाता है। वार्निंग लाइट्स यहाँ पर आपको मिल जाती है, यहाँ पर आपको फ्यूल मीटर मिल जाता है। बात करें अगर हैंडल की, तो यहाँ पर आपको सिंगल रोड के अंदर स्पाइक का हैंडल बार मिल जाता है जो कि सेमी डिजिटल मीटर कंसोल सेटअप के साथ में आता है। यहाँ पर आपको लाइटिंग के रिगार्डिंग स्विचेस वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको किल स्विच, लाइट ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है एंड सेल्फ का ऑप्शन मिल जाता है। इसी के साथ अगर बात करें मीटर की, तो यहाँ पर आपको 140 तक की स्पीड दे रखी है। ऑटो मिल जाएगा, ट्रिप 1 ट्रिप 2 का यहाँ पर आपको सेटअप मिल जाता है। अगर बात करते हैं इस बाइक की सीट की, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है, जिसकी वजह से बाइक जानी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बाइक, राइडर के लिए तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर आपको सीट मिलती है, बट पिलियन के लिए थोड़ी सी यहाँ पर आपको कमी मिल जाती है, लेकिन आप इसे एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं आफ्टर मार्केट। अगर बात करते हैं इसके रियर टायर की, तो यहाँ पर आपको 130 सेक्शन का रियर टायर दे रखा है। बात करें अगर ड्रम ब्रेक्स की, तो यहाँ पर आपको 130 mm का रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर आपको ओपन चेन सिस्टम मिलता है जो कि इस टाइप से रहने वाला है। 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ ही अपनी बाइक आती है। बात करते हैं अगर रियर के सेटअप की, तो यहाँ पर आपको रियर में भी जो है अपना LED में ही हैलोजन के अंदर ही सेटअप मिल जाता है। इस टाइप से अपना कुछ ग्रिपिंग वगैरह रहने वाली अपने टायर वगैरह की, बाकी तो आप रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सस्पेंशन की अगर बात करें रियर में, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल स्प्रिंग वाले सस्पेंशन मिल जाते हैं। दो सस्पेंशन दे रखे, एक इस साइड एक उस साइड, तो ये दोनों अपने रहने वाला है। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, मेन स्टैंड अपना यहाँ पर रहने वाला है। अब एक बार उस साइड से भी देख लेते हैं इस बाइक को, तो यहाँ पर आपको इस टाइप से अपना ब्रेक पेडल दे रखा है जो कि थोड़ा आगे की तरफ रहने वाला है, जो नॉर्मल बाइक्स है उससे थोड़ा सा आगे रहने वाला है। बाकी तो अगर बात करें इसके एग्जॉस्ट वगैरह की, तो इस टाइप से इसका एग्जॉस्ट रहने वाला है अपना। इसके ऊपर आपको पहले क्रोम के अंदर फिनिशिंग मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है अपना ब्लैक कलर के अंदर ही फिनिशिंग मिल जाती है। तो अगर बात करें उसके हैंडल लॉक की, तो यहाँ पर आपको हैंडल लॉक अलग से मिल जाता है। अब एक बार इसका अपन इंजन साउंड और एग्जॉस्ट साउंड भी सुन लेते हैं। इस टाइप से इस बाइक का अपना एग्जॉस्ट साउंड रहने वाला है। अब जान लेते हैं इस बाइक की ऑन रोड कॉस्टिंग। तो अभी बात कर रहा हूँ मैं JM बजाज जयपुर से, तो यहाँ पर आपको इस बाइक की ऑन रोड कॉस्टिंग 1,42,400 रुपये मिल जाती है, जो कि
आपके अलग अलग शहरों में अलग अलग रहने वाली है, तो अप्रोक्स 140 से 145 के बीच में ये बाइक कॉस्ट करती है। तो इस कॉस्ट के अंदर ये बाइक काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपको 160 सीसी का इंजन मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया पावर जनरेट करता है, काफ़ी बढ़िया माइलेज निकाल देता है, काफ़ी शानदार लुकिंग यहाँ पर आपको डिसेंट सी लुकिंग मिल जाती है। प्लस यहाँ पर आपको अलॉय व्हील वगैरह मिल जाते हैं, अपने ट्यूबलेस टायर्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं। बस कुछ चीज़ों की कमी है जो कि इसमें लाइटिंग वगैरह है, तो अगर लाइटिंग वगैरह और बेस्ट हो जाए तो ये बाइक और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।